इस कहानी की शुरुआत होती है वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी के साथ, जो अमीर लोगों के लिए एंड्रॉइड वाइफ बनाने का काम किया करती थी, ताकि भविष्य में मर्दों को कभी अकेलेपन का एहसास ना हो, जिसके लिए वो कंपनी अपने कस्टमर से एक मोटा अमाउंट वसूलती थी। वहीं दूसरी तरफ एक स्कार नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका मानना था कि वाइफ लाइक कंपनी कुदरत के नियमों को तोड़ रही है और वे एंड्रॉइड वाइफ के नाम पर सेक्स स्लेव को बेच रहे हैं, जिस कारण लोगों ने असल में शादी ना करके उस कंपनी से एक वाइफ को खरीद लिया करते हैं। इसलिए स्कार वाइफ लाइक कंपनी को हमेशा के लिए बंद करने के लिए कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट और उनके एंड्रॉइड वाइफ जिन्हें कंपेनियन कहा जाता था, जिससे निपटने के लिए वाइफ लाइक कंपनी ने एक सिक्योरिटी एजेंट्स की टीम को बनाया था, जिसका नाम कंपेनियन रिकवरी यूनिट था, जो भागे हुए या फिर किडनैप किए गए कंपेनियंस यानी कि एंड्रॉइड वाइफ्स को रिकवरी करने का काम किया करते थे। इन्हीं में से एक एजेंट जिसका नाम विलियम ब्रेडवेल होता है, वाइफ लाइक कंपनी ने उसके काम से प्रभावित होकर उसकी बीवी जो मर चुकी थी हूबहू उसकी तरह एक एंड्रॉइड वाइफ के ब्रेन में उसकी बीवी की यादों को इंस्टॉल कर दिया था, जिसका नाम मेरेडिथ था। असली इंसानों की यादों को एंड्रॉइड वाइफ में डालने के बाद रोबोट और यादों को एक साथ सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा समय लगता था। विलियम मेरेडिथ को घर लाता है और उसे चलना, बात करना और अपने घर से परिचित करवाता है। मेरेडिथ की मेमोरी में विलियम उसका हस्बैंड है और वो उसकी वाइफ है, ये बात फीड की जा चुकी थी। मेरेडिथ विलियम की हर बात मानती है और एक वाइफ की तरह विलियम के काम पर जाने के लिए उसके लिए नाश्ता बनाती है, और इस तरह से रात होने पर विलियम मेरेडिथ से इंटीमेट होने के लिए उसके इंटीमेसी सेटिंग को रीसेट करता है, जिससे मेरेडिथ पूरी तरह से विलियम के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों एक हसीन रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं, जिसके बाद मेरेडिथ अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए अपनी चार्जिंग चेयर पर जाने वाली होती है। तब उसे खिड़की के बाहर एक मास्क मैन दिखाई देता है, जो उसे ही देख रहा था, लेकिन मेरेडिथ उसे नजरअंदाज करके खुद को चार्ज करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे मेरेडिथ इंसानों की तरह जीना सीखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विलियम को तीन कंपेनियन के किडनैप होने की जानकारी मिलती है, जिन्हें विलियम इस कार के एक आदमी को मारकर उन्हें छुड़वा लेता है। और उधर जब मेरेडिथ खुद को चार्ज कर रही होती है तो उसका ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है, जहां वे अपने बर्थडे पार्टी में होती है। उसी पार्टी में उसे वही मास्कमैन मिलता है जो उसे खिड़की से देख रहा था। वो मास्कमैन मेरेडिथ को एक कार्ड देता है और कहता है कि इससे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, यानी कि यहां पर कुछ तो था जो मेरेडिथ की यादों से डिलीट कर दिया गया था। जब विलियम उन तीन कंपेनियंस को वापस वाइफ लाइक लेकर आता है तो उसे वहां पर ओली और लिली नाम की दो कंपेनियन मिलती है, जो अक्सर अपने ओनर यानी कि हस्बैंड के पास से भाग जाया करती थी। उन दोनों को अक्सर वहां पर मेमोरी रिसेट करने के लिए लाया गया था, लेकिन किसी तरह ओली और लिली ने हर बार अपनी मेमोरी को रिसेट करने से बचने का तरीका निकाल लिया था, इसलिए वे हर बार अपनी पुरानी यादों को बचा लिया करती थी और वहां से भाग जाया करती थी। अब मेरेडिथ को भी अपनी असली यादें धीरे धीरे याद आने लगी थी, जो उसका शौक हुआ करती थी। इसी दौरान मेरेडिथ की मुलाकात लुइस नाम की एक औरत से होती है, जो इस कार के लिए काम करती थी। लुइस भी मेरेडिथ से यही कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद करना होगा, लेकिन हर बार ट्राई करने पर मेरेडिथ की कुछ फाइलों को लॉक कर दिया गया था, और बार बार ड्रीम मोड में जाने पर मेरेडिथ को वही मास्कमैन दिखाई देता था। अब कहीं ना कहीं मेरेडिथ को अपनी पुरानी यादों को लेकर जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, और विलियम नहीं चाहता था कि मेरेडिथ को उसकी असली यादें याद आ जाएं, जो वो उससे छुपाना चाहता था। अगले दिन लुइस मेरेडिथ के घर पहुंच जाती है और उसे बताती है कि जो इंसान उसके सपनों में आता है उसका नाम कीन है और वो मेरेडिथ से मिलना चाहता है। साथ ही लुइस विलियम के लिए एक मैसेज छोड़कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ विलियम एक कंपेनियन को रिकवरी करने के लिए जाता है, जो अपने ओनर से बचकर भागी हुई थी। विलियम जब उसे पकड़ता है तो वो कंपेनियन वापस रिसेट होने से बचने के लिए बिल्डिंग से कूदकर मरने की कोशिश करती है, मगर वो एक रोबोट होने के कारण मर नहीं सकती थी। इस हादसे से विलियम समझ जाता है कि अगर वो कंपेनियन खुद की जान ले सकती है तो वो अपने ओनर को भी मार सकती है। अब उसे लग रहा था कि मेरेडिथ को उसकी पुरानी यादें वापस मिली तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए विलियम वाइफ लाइक कंपनी के मालिक से बात करके उसे इस बात की जानकारी देता है, मगर वो विलियम से कहता है कि कंपेनियन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उन्हें उस काम के लिए प्रोग्राम नहीं किया जाता। जब विलियम वापस घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि लुइस मेरेडिथ से मिलने उसके घर तक आ गई थी, और अब वो मेरेडिथ को इस कार के लोगों से बचाना चाहता था। विलियम अपने दोस्त जिसका नाम जैक था, वह उसकी मदद लेता है। अब विलियम मेरेडिथ के ड्रीम सीक्वेंस लिंक का पीछा करके कीन को ढूंढने में लग जाता है, जिसका पीछा करते हुए आखिरकार विलियम कीन की लोकेशन का पता लगा लेता है, जिसके बाद विलियम और जैक अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन विलियम को कीन वहां पर कहीं नहीं मिलता। विलियम को जल्द ही समझ आ जाता है कि वे लोग उसकी बीवी तक पहुंच चुके हैं। विलियम तुरंत ही घर की तरफ भागता है तो मेरेडिथ उसे बताती है कि कोई घर पर आया था और ये डायरी यहाँ पर छोड़कर चला गया, जिसमें तुम्हारे लिए एक मैसेज है। तब मेरेडिथ विलियम से पूछती है कि क्या सच में इस कार के लोग टेररिस्ट हैं? अगर वे टेररिस्ट हैं तो उन्होंने उसे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? अगर वे चाहते तो मुझे किडनैप करके ले जा सकते थे। लेकिन विलियम उसे कीन और लुइस के बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि उससे
कहता है कि ये सब उनका प्लान है। वे पहले भरोसा जताते हैं और फिर किडनैप करते हैं और कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना है। विलियम मेरिडिथ से झूठ बोलता है कि तुम्हें कीन सबसे पहले किडनैप करके ले गया था और उसने तुम्हें रीप्रोग्राम करके इस कार की तरफ से लड़ने के लिए उकसाया और तुम पहले कई बॉम्ब ब्लास्ट के केस में शामिल थी जिसमें हजारों मासूम लोग मारे गए थे जिनके लिए वाईफ्लैग कंपनी तुम्हें हमेशा के लिए शट डाउन करने वाली थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हारी बुरी यादों को तुमसे अलग कर दिया। इसके बाद विलियम मेरिडिथ की मेमोरी को रिसेट करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले विलियम जैक की हेल्प से मेरिडिथ के ड्रीम सिस्टम में जाकर कीन को पकड़ने की आखिरी कोशिश करता है, मगर जैक विलियम से कहता है कि हम ड्रीम एंगेजमेंट नहीं कर सकते, ये इलीगल है और ड्रीम एंगेज करने से हमें हर रात दर्जनों ड्रीम होमिसाइड का सामना करना होगा और हम कानून नहीं तोड़ते। फिर विलियम कहता है कि मैं सिर्फ कीन से बात करूंगा, जिसके बाद विलियम मेरिडिथ को लेकर जैक के घर पहुंच जाता है और ड्रीम सीक्वेंस में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। जैक विलियम से कहता है कि कुछ भी हो जाए ड्रीम एंगेजमेंट मत करना, लेकिन यहाँ पर विलियम का प्लान ड्रीम एंगेजमेंट करने के बाद कीन को पकड़ने और उसे मारने का प्लान था। जैसे ही विलियम मेरिडिथ के ड्रीम मोड में एंटर करता है तभी वहाँ पर कीन भी आ जाता है। विलियम मेरिडिथ को वहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद कीन और विलियम में फाइट शुरू हो जाती है। मेरिडिथ भागते हुए अपने ड्रीम के एक दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है। विलियम और कीन भी लड़ते हुए उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ विलियम कीन को मारने ही वाला होता है तभी मेरिडिथ की बैटरी 10% पर आ जाती है और मेरिडिथ जाग जाती है। मेरिडिथ के उठने से विलियम भी जाग जाता है और वो कीन को मार नहीं पाता, और इस दौरान मेरिडिथ विलियम और कीन की बातों को सुन लेती है, जिससे मेरिडिथ को विलियम पर शक होने लगता है कि विलियम ने ही उसके साथ कुछ गलत किया है। ड्रीम सीक्वेंस से जागने के बाद विलियम मेरिडिथ की मेमोरी को रिसेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसके लिए विलियम मेरिडिथ को वाईफ्लाई कंपनी ले जाता है, मगर मेरिडिथ अपनी मेमोरी को रिसेट नहीं करवाना चाहती थी। आखिर वह जानना चाहती थी कि उसके साथ हुआ क्या था। जब मेरिडिथ मेमोरी रिसेट करने के लिए वेटिंग रूम में होती है तब वहाँ पर उसे ओली और लिली मिलते हैं, जो मेरिडिथ को बताते हैं अगर वो चाहे तो अपनी यादों को रिसेट होने के बाद भी बचा कर रख सकती है, उसे बस अपनी यादों को सपने के रूप में सेव करके रखना होगा, जिसके बाद वो जब भी चाहे तो ड्रीम मोड में जाकर उन यादों को देख सकती है। फिर वहाँ मौजूद सभी कंपेनियन अपनी अपनी यादों को ड्रीम मोड में सेव करने के लिए स्लीप मोड में चले जाते हैं और फिर मेरिडिथ की मेमोरी को रिसेट कर दिया जाता है। रिसेट होने के बाद मेरिडिथ अपने ड्रीम मोड में जाकर सभी रैंडम फाइल को एक्सेस करती है, जिससे उसे अपनी पुरानी याद वापस मिल जाती है। अब वो जान चुकी थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। विलियम उसे घर लाता है और हर बार की तरह उसे चलना और बात करना सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ लुइस जैक की गर्लफ्रेंड को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें विलियम के सारे गुनाहों और मेरिडिथ के साथ किए हुए धोखे के सबूत थे, जिसे लेकर जैक विलियम को अरेस्ट करने के लिए उसके घर चला जाता है। दरअसल मेरिडिथ विलियम की कोई वाइफ नहीं थी, वो कीन की वाइफ थी। विलियम ने मेरिडिथ को हासिल करने के लिए कीन को मार दिया था और फिर मेरिडिथ को हासिल करने के लिए उसे भी मार दिया था और उसकी यादों के जरिए एक एंड्रॉइड वाइफ को बनवा लिया था जो उसके साथ हमेशा के लिए रह सके। और साथ ही विलियम ने मेरिडिथ की यादों से कीन की सभी यादों को डिलीट करवा दिया था और उसे स्कार का एक टेररिस्ट बताकर मेरिडिथ को उसके खिलाफ करने की कोशिश की। अब जैक के पास विलियम के खिलाफ काफी सबूत थे, लेकिन विलियम मेरिडिथ को सच पता चलने और खुद को बचाने के लिए जैक को मार देता है, जिसे मेरिडिथ देख लेती है और जैक के साथ विलियम की सभी बातों को सुन लेती है। मेरिडिथ भी जान चुकी थी कि विलियम ने ही उसे हासिल करने के लिए कीन का मर्डर कर दिया था और उसे हमेशा के लिए हासिल करने के लिए उसे भी मार दिया। अब मेरिडिथ विलियम से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। मेरिडिथ एक रोबोट थी, इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ पावर को 100% तक बढ़ा देती है और विलियम पर हमला कर देती है। एक एक करके वो उसके दोनों हाथों को तोड़ देती है और वह विलियम को उसी तरह से मारती है जिस तरह से विलियम ने उसको मारा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि स्कार ग्रुप का असली रिंग मास्टर कोई और नहीं बल्कि मेरिडिथ ही थी और विलियम को मारने के लिए सारी प्लानिंग उसी ने की थी, जिसके बाद स्कार और वाईफ्लाई कंपनी की ये जंग एक नया मोड़ ले लेती है और ये जंग चलती जाती है, जिसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ही नई वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।